हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ साइतामा V2 टोकन के बारे में। जी हाँ, साइतामा V2 टोकन जब स्टार्ट हुआ था तब वो 56 पैसे पे था। करंट टाइम पे अगर आज हम साइतामा की प्राइस की बात करें तो आप लोगों को सिर्फ 26 पैसे पे मिल रहा है। मतलब जब से स्टार्ट हुआ है साइतामा V2 टोकन तब से वो 50% ऑलरेडी डाउन हो चुका है। एंड करंट टाइम पे क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस ना करें अगर आप लोगों ने साइतामा टोकन के अंदर इन्वेस्ट किया या सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई भी इरादा नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ के ऑब्वियसली अभी जा सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। एंड गाइस, अगर आप लोग साइतामा के बारे में इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो वीडियो में बने रहे। साइतामा V2 टोकन की तरफ से जो पहली अपडेट आई है वो ये आई है कि साइतामा V2 टोकन का जो माइग्रेशन है वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर अभी तक लोगों को V2 टोकन रिसीव नहीं हुए हैं। कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक V2 टोकन रिसीव नहीं हुए हैं। तो अभी तक साइतामा V2 टोकन का ये भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जहां तक होना चाहिए था अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। तो अभी भी उनका प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया। V2 टोकन जिनको रिसीव नहीं हुए हो जाएंगे, बहुत जल्द उनको V2 टोकन भी रिसीव हो जाएंगे। एंड जो सेकंड अपडेट है साइतामा V2 टोकन की, उनका एक AMA सेशन 29 जुलाई को होने वाला है। और भी जो अपडेट होगी साइता प्रो के बारे में, साइता मास के बारे में, वो सारी अपडेट्स 29 जुलाई को और नई नई चीज़ें सामने आएगी जो उनका AMA सेशन होगा उसके अंदर उनकी टीम पूरी रहती है। प्लस जो अगर आप लोग भी उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो 29 जुलाई को आप लोग उसके अंदर ऐड हो सकते हो, जो कि उनका AMA सेशन होने वाले शायद 9 के टाइम होने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा। एंड गाइस, अभी साइतामा टोकन का जो प्राइस है वो आप लोगों ने देख लिया है कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है। बट ऐसे में ये नहीं कि साइतामा टोकन को आप होल्ड ना करें। साइतामा टोकन एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इसने अभी तक काफ़ी लोगों को प्रॉफिट भी दिया है, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक लॉस के अंदर है बिकॉज अभी पूरी मार्केट बेयर मार्केट में है। एंड BTC भी अगर हम देखें तो ऑलरेडी 60% से ज़्यादा डाउन है। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, होल्ड करने। जैसे हमने लवली इनो कॉइन को देखा है काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, तो वैसे ये भी अच्छा रिटर्न देगा, बट आप लोगों को एज ए लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होल्ड करना है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि इस कॉइन के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करो तो आप रहने देना, इन्वेस्ट मत करना। मेरा क्या सजेशन होगा आप लोगों के लिए, तो मैं अभी साइतामा इनो कॉइन को अगर ये 18 पैसे में मिलता है तब इसको थोड़ा सा बाय करने वाला हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सो यही अपडेट थी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश्वास।